आज हम बात करेंगे एक ऐसे औषधीय पौधे की जिससे हम भलीभांति परिचित हैं, लेकिन उसके प्रति हमारी जो अवधारणा है, जो विचार हैं, वो उसके गुणों के बिल्कुल विपरीत हैं। इस दिव्य पौधे का नाम है धतूरा, जिसे इंग्लिश में थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है। भारत में धतूरे की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें श्वेत पुष्प, कृष्ण पुष्प और पीले फूल वाले धतूरे के पौधे शामिल हैं। इनमें पीले रंग के फूल वाला पौधा कम मात्रा में पाया जाता है। हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं धतूरे के कुछ ऐसे चमत्कारिक औषधीय गुणों के बारे में, जो विभिन्न रोगों से निजात दिलाने में रामबाण की तरह कार्य करते हैं। कान में दर्द, सूजन या अन्य कोई विकार है तो धतूरे की कोमल पत्तियों को कूटकर रस निकाल लें। इस रस की 100 ग्राम मात्रा में 25 ग्राम छिला व कुटा हुआ लहसुन, 10 ग्राम नीम की पत्तियां और 50 ग्राम सरसों का तेल मिलाकर धीमी आंच में पकाएं। जब रस सूख जाए और अच्छी तरह से पक जाए तो इसको छानकर कांच की शीशी में भरकर रख लें। इसका प्रयोग कान दर्द, सूजन, कान में मवाद व अन्य कान संबंधित विकारों में किया जा सकता है। अस्थमा के रोगियों के लिए धतूरे का प्रयोग बहुत लाभकारी है। धतूरे की पत्तियों को छाया में सुखाकर उतनी ही मात्रा में इसके फल को लेकर दोनों को कूट लें। इस मिश्रण को मिट्टी की हंडिया में रखकर ढक लें। उपले कोयले या लकड़ी के अंगार पर इस पात्र को रख दें। जब पत्ती और फल जलकर भस्म बन जाए तो इस भस्म की आधा ग्राम मात्रा को सुबह शाम शहद के साथ चाटने से अस्थमा व कफ में लाभ मिलता है। जब अस्थमा का दौरा पड़ता है तो ऐसे में धतूरे की छाया में सुखाए पत्तों को चिलम में तम्बाकू की तरह रखकर पीने से अस्थमा के रोगी को तुरंत राहत मिलती है। जो व्यक्ति काम शक्ति की व्याधियों से ग्रसित है, वह धतूरे के तेल का प्रयोग करें। तेल निकालने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी की हंडिया लेकर उसके तले में छोटे छोटे छेद कर लें। जमीन में गड्ढा कर उसमें किसी ऐसे पात्र को रखें जिसके ऊपर हंडिया का नीचे का तला सही ढंग से बैठ जाए। ध्यान रहे, नीचे का पात्र जमीन के अंदर और हंडिया जमीन के ऊपर होनी चाहिए। हंडिया में धतूरे के बीज डाल दें और उसके चारों तरफ उपले जला दें। थोड़ी देर में हंडिया के छेद से तेल निकलकर नीचे रखे पात्र में एकत्र होने लगेगा। इस तेल को कामेंद्रिया अग्रभाग को छोड़कर पर लगाने से काम शक्ति में वृद्धि होगी और सुजाग जैसी बीमारियों में भी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस तेल की तलवों पर मालिश करने से स्तंभन शक्ति में भी वृद्धि होगी। जिन महिलाओं के स्तन में गांठ या सूजन आ गई हो, वे धतूरे के पत्तों को थोड़ा तेल लगाकर व गर्म करके स्तनों पर बांधें। कुछ ही दिनों में गांठ खुलनी शुरू हो जाएगी और सूजन भी उतर जाएगी। जिन महिलाओं का गर्भपात बार बार हो जाता है, जो इस वजह से परेशान है, यदि वे धतूरे की जड़ को कमर में बांध लेती हैं तो गर्भस्राव की संभावना खत्म हो जाती है। वात रोगों में भी धतूरे का प्रयोग लाभकारी है। अर्थराइटिस की वजह से यदि जोड़ों में दर्द व सूजन रहती हो तो धतूरे के पत्तों पर तेल लगाकर व हल्का सा गर्म करके इन्हें प्रभावित स्थानों पर बांधें। इससे दर्द व सूजन में कमी आएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।